मुझे पता है पिछले दिनों में ये भाई साहब बहुत परेशान थे। जब भी ये संडे की मीटिंग वीरवार की मीटिंग थी आते थे, जब पर्सनल मीटिंग होती मंडे को, ये यही चीज को लेकर अपने बच्चों को लेकर हमेशा यही चीज में बहुत परेशान। इस ब्रदर जी का नाम रमेश है और से लक्ष्मी नगर गाँव के रहने वाले हैं और इस समय जी ब्रदर जी मोदल पट्टे में काम करते हैं और इस ब्रदर जी के बच्चों की गवाही है जो बता रहे हैं कि 6 महीने हो गए थे इनके जो दोनों बेटे हैं स्कूल नहीं जाते थे, जिसके कारण जी ब्रदर जी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जो बता रहे हैं कि 6 महीने से जो बता रहे हैं कि महीने में सिर्फ जो 2 ही बार जो स्कूल जाते थे, कभी कभी 1 महीने में 1 ही दिन जाते थे, जिसके कारण जो बहुत परेशान थे, क्योंकि जो ब्रदर जी तो अपने काम पर चले जाते थे पर बाद में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और ऐसे घर में ही रहते थे, खेलते रहते थे और जिसके कारण जो बहुत परेशान हो चुके थे। और जो बता रहे कि जो इनकी बेटियां हैं और इनसे भी जी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि जो स्कूल तो जाती थी पर जो ब्रदर जी इस समय मोदल पट्टे पर काम करते हैं और जो इनका अपना गांव है वो लक्ष्मी नगर गाँव है और वहां पर इनकी बेटियां का स्कूल था। और जो बताते हैं कि रोज ही इनकी बेटियों को अप डाउन करना पड़ता था वहां से फिर जहां पर आना पड़ता था। कितने किलोमीटर होगा जो अप डाउन करते थे? माइक लेकर जाओ उनके पास। जहाँ पर आप पट्टे पे काम करते हो तो आपका जो गाँव लक्ष्मी नगर कितने किलोमीटर का फासला है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का जो आपके बच्चे दोनों बेटियां रोज वहां पे स्कूल जाती थी और अप डाउन करती थी क्योंकि आप पट्टे पे काम करते थे। ठीक है, हाँ आगे बताओ। और जो बता रहे हैं कि वहाँ पर भेजने का जो इनका हफ्ते का खर्च था वो 1400 रुपया आता था जो इनका किराया था, जिसके कारण जो बता रहे हैं कि जो पट्टे पर काम करते इनको ऐसे हफ्ते में जो बता रहे हैं कि इनको 2000 रुपया मिलता था, तो जिसके कारण जो बता रहे हैं कि उसमें से इनका 1400 रुपया खर्च नहीं निकालने के बाद इनके पास खर्च बाकी के पैसे कम बचते थे, तो जिसके कारण जो ब्रदर जी काफ़ी परेशान थे अपनी बेटियों के स्कूल से भी और अपने बच्चों के स्कूल से भी। तो जे बता रहे कि पर इन्होंने विश्वास ही किया, जे मीटिंग्स में आते रहे, विश्वास करते रहे कि परमेश्वर आप ही जानते हो सब कुछ और जो भी इंतजाम है स्कूल में जो मेरे बच्चे जाते नहीं है, जो दोनों बेटे आप इनके मन को भी बदल चुके हो, जैसे जी प्रार्थना करते रहे। और जो बता रहे कि जब 30 अप्रैल की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और जो बता रहे कि जब परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल मदर परमेश्वर के दासी प्रार्थना कर रहे थे, मास प्रेयर कर रहे थे, तो परमेश्वर के दासी के द्वारा परफेक्टिक वर्ड्स आया कि जिनके घर घर आने जिनके बच्चे हैं आज परमेश्वर ने ब्लेस करने वाले। पहले हम इस परफेक्टिक वर्ड्स की वीडियो क्लिप को देखेंगे। घर घराने ब्लेस होंगे, आपके बच्चे ब्लेस होंगे। तुझे बता रहे हैं कि जैसे उस दिन इन्होंने इस परफेक्टिक वर्ड को रिसीव किया अपने बच्चों के लिए, इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर जो आज का वचन आपके दासी के द्वारा आया है जो मेरे बच्चों के लिए, आप मेरे घराने को मेरे बच्चों को ब्लेस कर चुके हो, क्योंकि जी बहुत ही परेशान थे ब्रदर जी। तो जैसे इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी प्रेयर को प्रार्थना का सुना और परमेश्वर जी ने इनके रास्ते को खोल दिया। तो जो बता रहे हैं कि इनके नॉन में ही किसी ने इनको ऐसे मैसेज दिया कि ऐसे हॉस्टल है वहाँ पर आप अपने बच्चों को ऐसे एडमिशन करवा दें। तो जो बता रहे हैं कि अभी इनके दोनों बेटों की जो एडमिशन है हॉस्टल में होगी, जो बता रहे हैं कि लवारका रोड हॉस्टल है अमृतसर में ही, वहाँ पर दोनों बेटों की एडमिशन होगी। अभी छुट्टियाँ हैं जिसके कारण अभी जो घर आए हैं और जब इन्होंने एडमिशन करवाई तो बिल्कुल फ्री थी, कोई पैसा नहीं लिया वहाँ पर रहने का खाने का कोई भी पैसा नहीं है, फ्री है बिल्कुल। परमेश्वर ने पहली ब्लेसिंग इनको दी और जो परेशान थे क्योंकि इनके बेटे घर में तो स्कूल नहीं जाते थे इनके काम के बाद, और सेकेंड जो इनकी बेटियों का खर्च था, जैसे जो इनका इनका जो इनके कारण भी जो परेशान थे, तो इनकी जो अभी इनकी जो छोटी बेटी है उसका भी परमेश्वर ने इंतज़ाम कर दिया है। जो बता रहे हैं कि एनएम सिनेमा अमृतसर के पास ही है, वहाँ पर एक हॉस्टल है, तो इनकी बेटी का भी वहाँ पर ही एडमिशन हो गई है। अभी छुट्टियाँ हैं वहाँ पर इन्होंने बात कर ली है, तो इसका भी परमेश्वर ने इंतज़ाम कर दिया। जो इनकी बड़ी बेटी है जो लक्ष्मी नगर गाँव में पढ़ती है,
तो अभी उसके जो इसका खर्च था उसकी इनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसका मैनेज हो जाएगा। तो परमेश्वर ने सारे इनके सब बच्चों का ही इंतजाम कर दिया और सच में जो बहुत ही खुश है, नहीं तो जो बहुत परेशान थे कि इनके बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते। जहाँ तक इन्होंने सोच लिया था कि इनके बच्चे ऐसे, तो इनके जो जो इनके बेटे वो तो ऐसे घर में रहकर जो है कि वो बिगड़ जाएंगे, कहना नहीं मानेंगे, पर परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना और अपनी दासी के द्वारा जो वर्ड दिया, तो आज खुदा ने इनके बच्चों को आज ब्लेस कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया, अपने हाथों को उठाते हैं जोर से, जो परमेश्वर ने इस ब्रदर को जो अपने बच्चों से बहुत ही परेशान थे, इनके पढ़ने के कारण जो कि जो स्कूल नहीं जाते थे, और जो परमेश्वर ने अपनी दासी के द्वारा परफेक्टिक वर्ड दिया और इन्होंने रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना और अपने रिश्ते को खोला और आज इनके बच्चों की एडमिशन भी हो गई है, इनके खर्चे का मैनेज भी हो गया, कोई परेशानी नहीं है। परमेश्वर ने इनको ब्लेस कर दिया है और ये बहुत ही खुश है। इस ब्लेसिंग के लिए हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। आप भी अपने बच्चों के लिए इस ब्लेसिंग के लिए विश्वास करें, रिसीव करें कलीसिया। ऊंची आवाज से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सुनो सुनो, जब खुदावन की महिमा प्रकट होती है, जो इंसान चाहता है वो काम जब पूरा होता है, तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है, हाँ, क्योंकि मुझे पता है पिछले दिनों में ये भाई साहब बहुत परेशान थे। जब भी ये संडे की मीटिंग, वीरवार की मीटिंग में आते थे, जब पर्सनल मीटिंग होती मंडे को, ये यही चीज को लेकर, अपने बच्चों को लेकर हमेशा यही चीज थी, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं। बोले क्या, मैं बहुत परेशान हूं। तो मैं हमेशा ही नहीं कहता था कि नहीं, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो वो मनुष्य नहीं। बोलो क्या, वो मनुष्य नहीं कि जिस पर आपने विश्वास किया है, जिसने आपको वचन दिया वो बदल जाए। देखना एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। सबसे पहले तो अपने बेटों के लिए परेशान थे, कैसे परमेश्वर मरा, जो परमेश्वर मरी सोच और समझ से भी कई गुना ज्यादा। ये तो सिर्फ विश्वास कर रहे थे कि स्कूल जाए, क्यों जी भाई साहब, आप तो सिर्फ ये विश्वास करते थे ना अपने दोनों बेटों के लिए कि ये स्कूल जाएं, पर आपकी सोच से भी परमेश्वर ने बढ़कर इंतजाम किया कि आपके आपके बच्चों के लिए परमेश्वर ने हॉस्टल का इंतजाम कर दिया। हाँ जी, यस, हाँ, यस। वहां पे रहने का, पढ़ने का, खाने का, पीने का अब कोई खर्च नहीं। बोलो क्या है, कोई खर्च नहीं। और प्लस जो इनकी दो बेटियां, बोलो क्या है, जो दोनों यहां से 40 किलोमीटर रोज अप डाउन करती थी, जिनका हर हफ्ते का खर्च 1400 रुपया लगता था, ये हफ्ते का 2000 रुपया अपना पट्टे का जो काम करते थे 2000 कमाते थे, पर 1400 तो किराए में, स्कूल में, स्कूल के किराए में निकल गया, कुछ उन्हें खुद को भी चाहिए पास उनके। और ये इस चीज के लिए बड़े परेशान थे कि मेरे पास कुछ नहीं बचता। पर इनकी फिर छोटी बेटी है, जो हाथ खड़ा करो, कौन सी बेटी है आप, हाँ ये वाली छोटी वाली, इसके लिए भी परमिशन ने हॉस्टल का इंतजाम किया, वो भी अमृतसर में, एनएमसर में के पास है कोई, ये भी वहां पे फ्री है, पढ़ने का, लिखने का, खाने का, पीने का, इसका भी इंतजाम कर दिया। अब सुनो, अब एक बेटी है जो बड़ी वाली, उसका भी यानी कोई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब उसका हफ्ते का 700 रुपया, बोले क्या है, 700 रुपया खर्च आएगा, तो 700 ये मैनेज कर लेंगे। अब 2000 कमाएंगे तो 700 इसका स्कूल में भी चला जाएगा खर्च के लिए, तो कितना बाकी बचा, कितना बचा, 1300, 1300 ना, तो अब 1300 से अपना घर का भी ये अच्छे से मैनेज कर लेंगे। देखो, सुनो एक बात मेरी ध्यान से, यही चीज है, ऐसा कोई काम नहीं है जो खुदावंद से नहीं होना। ध्यान से मेरी बात सुनो, कोई भी किसी भी चीज के लिए, जब अगर कोई बंदा परेशान है अपने बच्चों को लेकर, उनकी शादी को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, या अपने पति को, किसी भी चीज के लिए, तो बने रहना। बोलो क्या, रहना, बने रहना, बने रहना। परमेश्वर आपकी सोच से भी ज्यादा करेंगे। क्या करेगा, मैंने कहा
जैसे इनके लिए गया। मैंने देखा इनकी परेशानी को, जो हमेशा इतने उदास, इतने परेशान, बोले क्या है? इतना उदास परेशान रहते, पर आज खुदावन ने सब कुछ पूरा कर दिया। और ऐसा ही वो आपके साथ भी करेगा। मैंने कहा ऐसे ही वो आपके साथ भी करेगा। अड़े रहना और खड़े रहना, उसके आगे प्रार्थनाएं करते रहना, उसके वचन को मनन करते रहना। वो सच्चा परमेश्वर, वो मनुष्य नहीं है। बाइबल कहती जो कहा उसने वो पूरा ना करे, अपना वचन देकर बदल जाए, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सब कुछ पूरा करने वाला है। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, बड़े इंतजाम के लिए खुदावंद का दोनों हाथों को उठा के दिल से तारीफ करते हुए, दिल से तू बड़े बड़े काम देखेगा, तू बड़े बड़े काम देखेगा, तू बड़े बड़े काम देखेगा। जोर से हालेलुया बोलते हुए,